अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग भी अच्छे से हैं, खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है। और आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ कि इतने दिनों के बाद आई हूँ मैं। और ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं आज का। ये देखिए, नेशनल डे है, यूएई नेशनल डे है, तो बच्चों को नेशनल डे का कुछ भी एसेसरीज़ पहना के भेजना था, तो हम लोग के पास एक स्कार्फ था, वो मैंने लगा दिया था। अब बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे हैं, तो नेशनल डे के एक दिन पहले का ये व्लॉग है, ये जो क्लिप्स मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, अभी जोहान तो वापस भी आ गए हैं स्कूल से, मैंने जाने का दिखाया, उसके बाद वापस जब वो स्कूल से आ रहे हैं तो तब मैं लेने गई हूँ नीचे। तो देखिए कैसे वो इंजॉय कर रहे हैं, अपनी बॉटल को फेंक रहे हैं और हवा के उससे वो एक डायरेक्शन में बॉटल जा रही है, तो वहीं पे बैठ गए। और फिर देखिए, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है और हम लोग जा रहे हैं आज कैंपिंग के लिए, ओवर नाइट स्टे के लिए। तो जिसके लिए सारी पैकिंग वैकिंग चल रही है, गद्दे तकिए और सारी चीज़ें, वहीं पर रुकेंगे हम लोग, तो सारे सामान लोड कर रहे हैं, बारबेक्यू करेंगे और बस निकल पड़े हैं सारी चीज़ें वगैरह लोड करके। और हम मेरे देवर भी जा रहे हैं, उनकी फैमिली, तो हम लोग पहले उनकी तरफ जा रहे हैं। देखिए, वो लोग की गाड़ी आ गई है, तो वहीं जा रहे हैं, उनको हम लोग ने पिक किया, हम लोग दोनों साथ में निकलेंगे। और देखिए, नेशनल डे है तो मेरे हस्बैंड हर साल ऐसा फ्लैग, यूएई फ्लैग का ये लगाते हैं अपनी कार में। और रास्ते में ही हम लोगों ने लंच किया, एक किचन से बिरयानी ली, पुलाव लिया और वो पुलाव खा रहे, और बहुत ही मज़े का और यम्मी सा था। फिर चाय वाय पीते हुए हम लोग बस निकल जाएंगे यहाँ से, जबल जेश की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो वहाँ का मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि हम लोगों ने कैसे। You forgot your brush? Yes. Why you're going in the mountains? We are going to the mountains for camping. For camping. We are going to the mountains for camping. Alright. We are going in the mountains for camping and we'll stay for one night. You stay for one night. तो हम लोग जब निकले थे तो आफ्टरनून का टाइम था, मतलब 3-4 बज रहे होंगे तब हम लोग निकले थे। और देखिए, यहाँ मगरिब का टाइम हो गया है और जगह जगह पब्लिक दिख रही थी, रुक रुक के लोग फ़ोटोज़ वगैरह निकाल रहे थे। और मगरिब का टाइम हो गया था तो हम लोग रुके और नमाज़ के लिए, और जायद देखिए अपना बायनोक्यूलर्स लेकर आए थे, तो जिससे वो देख रहे हैं और यहाँ पे यूएई का फ्लैग वो लहरा रहे हैं। और देखिए, मगरिब की नमाज़ पढ़ के निकलते हुए अंधेरा हो गया है। आजकल इतनी जल्दी शाम हो जाती है कि 5:30 बजे से अंधेरा होने लगता है ना, तो रात नहीं हुई थी मगर अंधेरा हो गया था। और देखिए, आप लोग को हर जगह इतनी रौनक नज़र आएगी, इतनी पब्लिक है, इतने लोग आए हुए हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, हर तरफ गाड़ियां, लोग दिखाई देंगे। ऐसा लगेगा नहीं कि हम लोग माउंटेन्स पर गए हैं, ऐसा लगेगा कि जैसे हम लोग कहीं पर कुछ वो लगा हुआ है जिसमें जाते हैं एग्जीबिशन वगैरह, कोई शो वगैरह। तो देखिए, हर तरफ सिर्फ कार आपको नज़र आएंगी। और हम लोग को तो 2-3 जगह हम लोगों ने स्पॉट जो हाँ जहाँ हम लोग रुकते थे वहाँ गए, हम लोग को जगह नहीं मिली। फिर फाइनली हम लोगों को एक जगह पर मिली जगह, उसको भी हम लोग ने चेंज कर लिया, अभी दूसरी जगह आए हैं, क्योंकि ये गाड़ी के पास थी जो पहले मिली थी, जहाँ पे भी जायद खड़ा हुआ था वो गाड़ी से थोड़ा दूर थी। तो यहाँ पे देखिए, टेंट वगैरह सेट कर रहे हैं, कार है, कार में लाइट्स लगा दिया है, ये बैटरी से चलती है और इतनी अच्छा उजाला दे रही थी कि हम लोग को लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। चेयर्स वगैरह हम लोग ने लगा लिए हैं, टेंट सेट हो गया है, चटाई वगैरह बिछा के सारी चीज़ें निकाल लिए ज़रूरत की, और यहाँ जा रहे हैं चाय बनाने के लिए। अभी हम लोग पहले चाय बनाएंगे, उसके बाद हम लोग वो कोयला वगैरह जलाएंगे। और देखिए, चाय उबल रही है और कितना अच्छा लगता है ना ठंड में, ठंड इतनी अच्छी थी, इतनी मज़े की ठंड थी वहाँ पे कि बहुत मज़ा आ गया। और यहाँ पे देखिए, सैलड बना रही है भाभी और एक तरफ चाय बन रही है। ये देखिए, टेंट में बिस्तर वगैरह भी लग गया है, जिसको लेटना है, जिसको बैठना है, ठंड लग रही है अगर बाहर तो आ जाएँ। और यहाँ पे देखिए, जायद जोहान खड़े हुए हैं और अभी तो इनकी लड़ाई हो जाती है दोनों, मतलब दोनों छीनने लगते हैं कि मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। और देखिए, हमारा टेंट, ये हमारा स्पॉट है, हमारा टेंट लगा हुआ है। और यहाँ यासिन भाई कोयला वगैरह जला चुके हैं, हम लोग भुट्टा लाए थे, पहले हम लोग भुट्टा भूनेंगे, उसके बाद फिर हम लोग चिकन ग्रिल वगैरह करेंगे, चिकन बारबेक्यू स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, भुट्टा भुन रहा है अच्छे से। और जब तक हमारी चाय रेडी हो गई थी, तो हम लोग सर्दी में चाय का लुत्फ़ उठाते हुए
मज़े की चाय बनी थी एकदम, मज़ा आ रहा था पीते हुए, और अच्छी खासी ठंड थी। दुबई में तो ठंड इतनी नहीं है, 25 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, ऊपर जब हम लोग गए तो अभी इस टाइम पे जो टेम्परेचर है वो 16-15 डिग्री टेम्परेचर था, मगर रात को 2-3 बजे 6 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया था। हम लोग पूरे नाइट वहाँ रुके थे, तो जो इतनी अच्छी चिलिंग वाली सर्दी थी, मज़ा आ गया। और देखिए भुट्टा रेडी हो गया है, भुट्टे में नींबू और चाट मसाला वगैरह लगा के, मिर्ची वगैरह, उसको खा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए चिकन भी हम लोगों ने फिर लगा दिया है, बारबेक्यू स्टार्ट कर दिया है, ये देखिए। और साइड में ना थोड़ा सा कोयला भी हम लोग ने लगा दिया था, जला दिया था, बड़े बड़े ये वाले कोयले थे, तो इसको जलने में टाइम लगता, तो हम लोग ने साइड में उसको भी जला दिया था ताकि वो अंगार जल्दी से बन जाए। और एक तरफ हुमस वगैरह बन रहा है, और देखिए आप लोग कितना अच्छा उजाला, कितनी अच्छी रोशनी है। और ये देखिए हम लोगों का चिकन बनके रेडी हो गया है, बस उसको डिश आउट कर रहे हैं हम लोग, निकाल रहे हैं हॉट पॉट में। और यहाँ मेरे हस्बैंड ने चांस मार दिया, जैसे ही निकला उन्होंने गरम गरम एक पीस उठा लिया, क्योंकि गरम गरम बारबेक्यू खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और फिर हम लोगों ने भी खाना निकाल लिया था, स्टार्ट कर दिया था। देखिए खुबस है और हुमस है, सैलड है, बैगन की एक चटनी थी, और ये देखिए ग्रीन और ऑरेंज वाला चिकन है। ग्रीन में कुछ कलर थोड़ा ज़्यादा हो गया था, जो कि पिक्चर इसमें सही से आया नहीं है। और सब खा रहे हैं, और देखिए आप लोग देख सकते हैं किस तरह से लोग इंजॉय कर रहे हैं, मतलब मस्त है एकदम, पिकनिक एज अ पिकनिक जो होती है ना, उस तरह से लोग आए हैं, इंजॉय कर रहे हैं। लग नहीं रहा है कि रात में, अभी हम लोग का जो टाइम हो रहा था वो 10 बज रहे थे। खाना वाना खाने के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा हाथ वाथ सेक रहे थे, और मैंने सोचा बच्चों को मैं सुला दूँ, तो उनके हाथ ठंडे हो गए थे गर्म करके, फिर मैं बच्चों को सुलाने लेके चली गई। और देखिए बच्चे लोग लेट गए हैं, एक तरफ अम्मी लेटी हैं, ये जायद लेटे हैं, और जायद को बस कैमरा जायद के पास लेके जाओ तो हेलो फ्रेंड्स बोलने लगते हैं। मैं उनको वही बोलती, आपके कौन से फ्रेंड्स हैं, तो बोलते मम्मा जो आपके फ्रेंड्स हैं वही मेरे भी फ्रेंड्स हैं। तो मैं उनको बोलती नहीं, वो आपके फ्रेंड्स नहीं, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, मगर वो हेलो फ्रेंड्स उन लोगों को आदत हो गई है। और देखिए मैं भी लेटी हूँ, जोहान को सुलाने की कोशिश कर रही, मगर जोहान इमरजेंसी लाइट से प्ले कर रहे हैं। और टेंट भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बड़ा था, कई लोग सो सकते थे इसमें, और अच्छे से हम लोग गद्दा, 3 सिंगल बेड का गद्दा लेकर आए थे। गद्दा बिछाने के बाद भी साइडों में बहुत सारी जगह बाकी हुई थी, और फिर मैं टेंट खोल के आपको बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ, ये देखिए। बाहर भाभी बैठी हुई हैं, और वो इतने अच्छे अच्छे पोजेस दे रही थी कि फिर मैंने उनको शूट कर लिया, और फिर मैंने सोचा कि मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ, मुझे हटाने का मन नहीं हुआ, इतने अच्छे अच्छे पोजेस दे रही थी भाभी। और बच्चे लोग सो गए थे यासिन भाई की कार में। और ये देखिए हम लोग रात के 2 बजे टहल रहे हैं जबलजेश की सड़कों पर। भाभी ऊपर लाइट कैसे, देखिए उजाला आ रहा है। बस सजाया हुआ है गाड़ी को, कुछ ज्यादा ही नहीं सजी है गाड़ी। और ये देखिए यहाँ पे बाथरूम है, जो कि लाइन लगी हुई है, मतलब लाइन तो नहीं लगी हुई है, 2-3 ही लोग खड़े हुए थे, और हर तरफ टेंट टेंट ही नजर आएगा आप लोगों को, और हर तरफ मतलब पब्लिक इंजॉय कर रही है, खा रही है, बारबेक्यू कर रही है, कुछ सो रहे हैं टेंट के अंदर, मतलब माउंटेन्स पे आके कैंप लगा के उसके अंदर सोने का मज़ा ही कुछ और है। ये देखिए बच्चे यहाँ पे डांस वांस कर रहे हैं, सब एकदम फन मोड में हैं, क्योंकि 4 दिन का हॉलीडेज हो जाता है ना नेशनल डे में, एक दिन मार्टियर्स डे की छुट्टी होती है, एक दिन नेशनल डे की छुट्टी होती है, और साथ में वीकेंड भी आ जाता है, तो काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाता है 4 दिन लगातार छुट्टी। और ये देखिए मैं आपको दिखाने लेकर आई हूँ कि हम लोग ऊपर है, और ऊपर से नीचे का नज़ारा कैसा दिखता है, तो उसी तरफ जा रहे हैं। और ये देखिए नीचे की पहाड़ों के जो नीचे से जो रोड जाती है वो देखिए पूरा लाइटें नज़र आ रही, अभी भी पब्लिक आ रही है जा रही है। ये रात के 2:30 बजे का सीन था पूरा, और मतलब कोई 2:30 बजे आ रहा है, हम लोग के बाजू में एक किसी ने आके, एक फैमिली ने टेंट बनाया था, वो लोग 2 बजे के बाद आए थे और उन लोगों ने टेंट बना के लगाया था, तो मतलब हर तरफ पब्लिक एकदम मस्त, एकदम मस्ती के मूड में है।
और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जब पब्लिक रहती है तभी मज़ा आता है, इतना ज़्यादा थोड़ा सन्नाटा रहेगा तो थोड़ा मज़ा भी नहीं आएगा, डर भी लगेगी, है ना, क्योंकि एकदम अंधेरा होता है। और ये देखिए सुबह हो गई है, तो हम लोग ने सोचा था आराम से सनसेट देख के नाश्ता वगैरह करके फिर जाएंगे, और ये देखिए कितनी अच्छी सुबह लग रही है, और उजाले में अब आप लोग देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ये जो है वो स्लेडर है, यहाँ पे जबल जेश का मतलब यूएई का यहाँ पे बना हुआ है, लोग हाइकिंग वगैरह करने भी आते हैं इस साइड। और लॉन्गेस्ट जिप लाइन ऑफ यूएई भी यहाँ पर बना हुआ है, वो जो टॉप आपने देखा अभी टॉप पे बना हुआ है, अभी मैं उसको दिखाऊंगी आपको। और ये देखिए नीचे की वादियाँ कितने अच्छे से नज़र आ रही हैं पूरी, और ऊपर से वो ऑरेंज कलर की सुनहरी एक जैसे वो होती है ना सूरज की किरणें, तो वो और हर कोई इस डायरेक्शन में आके खड़ा हो गया था, और उनको शायद सनसेट का सनराइज़ का पिक्चर लेना था, तो एक साइड सब आके खड़े हो गए थे। और ये देखिए ऊपर से नीचे का व्यू कितना ब्यूटीफुल लग रहा है माशाल्लाह। और रोड पे देखिए स्ट्रीट लाइट बिल्कुल भी नहीं है, जो लाइट आपको दिख रही है वो गाड़ियों की लाइट है, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, और सुबह सुबह भी बहुत सारी पब्लिक आ रही थी, शायद वो लोग पूरा दिन स्टे करने के लिए सुबह से ही आ गए थे, हम लोग तो शाम में आए थे। तो बहुत ही खूबसूरत और एकदम ठंडी ठंडी हवाएं, और बहुत ही अच्छा लग रहा था ये व्यू माशाल्लाह। देखिए करीब से इतना ब्यूटीफुल व्यू है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और फिर हम लोगों ने चाय वाय बनाया और थोड़ा सा ब्रेड व्रेड खाया, मैं उसको उतारना भूल गई, वरना आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती सुबह का नाश्ता। और फिर हम लोग यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगे थे, पूरा पैकिंग वैकिंग करने लगे थे, 8 बज रहे थे सुबह के। ये देखिए हस्बैंड सामान लोड कर रहे हैं गाड़ी में वापस से। और ये देखिए यहाँ पे जायद देख रहे हैं अपने बायनोकुलर टॉय से, और बच्चे हैं लेकर आए थे, इनको पता था कि मैं सब देखूँगा। और देखिए सूरज निकल आया है एकदम ऊपर, बस निकलने की तैयारी है। ये देखिए पास से इनकी गाड़ी का लुक कैसा नज़र आ रहा है। तो बस हम लोग निकल चुके हैं, और जिसको देखिए जहाँ पे जगह मिली उसने वहाँ पे ही कैंप लगा लिया है, और कितना रश है, कितना अच्छा लग रहा है, रौनक लग रही है एकदम। जबल जेस, जबल यहाँ पर जबल को माउंटेन्स को जबल बोलते हैं अरबिक में, और जेस जो है उसका नाम है, तो इसलिए उसका नाम है जबल जेस। और देखिए निकल रहे हैं हम लोग, खूबसूरत व्यू इन्जॉय करिए आप लोग भी साथ में। और माउंटेन्स का देखिए किस तरह से कटिंग हुई की है, कटिंग कर करके बनाया गया है। तो बस हम लोग निकल गए और ब्रेकफास्ट करेंगे और घर पहुंच जाएंगे। तो ये वीडियो यहीं पे मैं एंड करने लगी हूँ, होप आप लोग ने इन्जॉय किया होगा। इन्जॉय किया होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं मुझसे नाराज़ होंगे, और पता नहीं मुझे व्यू मिलेंगे अच्छे या नहीं मिलेंगे, मगर प्लीज़ डू सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपनी दुआ में याद रखिएगा, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।